बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स आई एम का एंड आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने पेंटिंग एग्जामिनेशन में 30 ऑन 30 स्कोर कर सकते हो पेंटिंग मतलब अगर आप पेंटिंग के बच्चे हो ग्राफिक्स कल्चर कॉमर्शियल आर्ट इन सब में से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आप कैसे अपने एग्जाम में 30 ऑन 30 ला सकते हो एंड येस इट इज पॉसिबल ठीक है सबसे पहली चीज देखो भाई अगर मैं डेट शीट के हिसाब से चलूँ तो आपको एक्जैक्टली exactly इतने ही दिन मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए ठीक है मैंने 11 मार्च से शुरू किया है बिकॉज सेवन डेज मोर देन इनफ आपके पेंटिंग एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होते हैं ठीक है एंड सबसे ज्यादा जो मुझे लाइक प्रॉब्लम लाइक लग रही है बच्चों के लिए वो है आपका इकोनॉमिक्स का कि भाई इकोनॉमिक्स का पेपर है हमारा सत्रह मार्च को और उसके जस्ट नेक्स्ट ही हमारा एटीनथ को हमारा पेंटिंग का पेपर है तो कैसे प्रिपरेशन करेंगे तो प्लीज़ एंड तक देखना बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ये आपके बिल्कुल एंड में आ जाएगा ठीक है मैं आपको प्रॉपर इस वाइज से ही चलूँगी तो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर दिन को ही आपको शुरुआत करनी है आपका बायोलॉजी का पेपर उसके बाद ही आपको शुरू करना है तो आप डायरेक्टली उस वाले पार्ट पर स्किप कर सकते हो चलो भाई अब मैं बताऊँ सबसे पहले इलेवंथ मार्च के ऊपर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है यहाँ पे मैंने आपको साइड में डेट्स लिख दी हैं कि आपको इन इन दिनों के अकॉर्डिंग इसी चैप्टर पे खाली फोकस करना है एक्स्ट्रा पे फोकस करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि इसका पीछे का रीजन यही है कि अगर आप इस चीज पर कंफर्म हो इस चीज पर अगर खाली आप कंथर्स्ट हो तो आपको ऐसा आना चाहिए कि अगर, अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि मारू रागिनी का आर्टिस्ट कौन है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई उसका आर्टिस्ट कौन है ठीक है या फिर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ भाई नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ तो आप आराम से वहीं पे वहीं एक्सप्लेन कर दो आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए लाइक एक दिन एक वीडियो के लिए बहुत होता है तो मैंने आपके हर एक वीडियो के हिसाब से साइड में थर्मनेल लगा दिया है जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए ट्वेल्थ मार्च को आपको यूनिट टू कंप्लीट करना है थर्टीनथ मार्च को यूनिट नंबर थ्री जिसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट इसको बहुत अच्छे से करना है बहुत उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना दो नंबर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसी चैप्टर में से यूनिट थ्री में से फिर हम आते हैं फोर्टीनथ मार्च पे आया आपने वन शॉट रिवीजन को लाइक पूरा बैठ के देखा एक घंटे फोर्टी सेवन मिनट्स तैंतालीस मिनट की पूरी पूरी की पूरी वीडियो है एंड यहाँ पे आपने इसको देखा इसको ध्यान से समझा नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी वहाँ से जाकर के आपने नोट्स का आउट निकलवा लिया या फिर आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है दी बेस्ट दी बेस्ट सोल्यूशन होता है वो आपके रिविजन के टाइम के लिए ठीक है आपने वो काम किया आपको हो गया भाई बिल्कुल आपका पूरा का पूरा पेंटिंग तैयार अब यहाँ से आपको खाली खाली ध्यान देना है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बिकॉज अभी आपका काम हो खाली सुनने का यहाँ पे आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस किया फिर हम आ गए वन मार्क्स के क्वेश्चंस पे टू मार्क्स के सिक्स मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर इन पे फोकस किया एंड अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि भाई टू मार्क्स के क्वेश्चंस और सिक्स मार्क्स के क्वेश्चंस की, की वीडियो नहीं आई हाँ है तो डोंट वरी वो भी जल्दी आ जाएगी आपके एग्जाम से पहले डेफिनेटली मैं डाली दूंगी बिकॉज थमने बन गया है ऑफकोर्स तो से बात है वीडियोज भी बन जाएंगी अब हम आते हैं मोस्ट इंट्रीगिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर दैट इज रिवाइजिंग तो मोर यू रिवाइज ना उतना रि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी चीजें एंड एंड आपको And फिर फाइनली आता है भाई आपका आपका मार्च को प्रॉपर एग्जाम तो उसके लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ठीक है अब हम लोग आते हैं भाई जिनका एग्जाम तेरह मार्च का जो फिजिकल एडुकेशन का पेपर दे आए हैं उनके पास खाली पांच दिन बाकी है तो उनको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि यूनिट वन पे आपको फोकस करना है तेरह मार्च को यूनिट टू आप करोगे भाई चौदह मार्च को पंद्रह मार्च को आप चलाए पार्ट ए और पार्ट बी पे यूनिट थ्री के बिकॉज अगर आप लाइक like, आपने स्किप यहीं पे इसी पार्ट पे स्किप किया है वीडियो को तो आपको मैं बता दूं कि भाई जो जो यूनिट थ्री का पार्ट ए और पार्ट बी है इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज इसी से आपका जो पेपर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो दो नंबर क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं फिर सिक्सटीन मार्च पाए हम लोग फुल सिलेबस का वन शार्ट रिविजन और चैप्टर वाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको फोकस करने हैं जो आपको वीडियो पर भी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर थमने उसका ठीक है फिर हम लोग आते हैं भाई वन मार्क्स के क्वेश्चन टू मार्क्स के क्वेश्चन एंड सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन इस पर फोकस करना है आपको और तो और रिविज़न रिविजन के लिए आप सबसे ज़्यादा अपने नोट्स के ऊपर या फिर जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वन शॉर्ट रिविजन के जो नोट्स हैं आप उसको उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसको पढ़ सकते हो एंड प्लीज़ प्रिंट आउट निकाल करके या फिर पेजेस के ऊपर ही पढ़ना ताकि उससे होगा कि आपको आपकी आँखों पर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा ठीक है एक तो ये चीज़ हो जाएगी ऊपर से अगर आपको कोई ऐसी रिटर्न चीज़ें मिलती हैं तो उससे आप ज़्यादा ईजिली कनेक्ट कर पाते हो फिर एटीन मार्च का एग्जाम है आपका तो उसके लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट अब आज हो भाई इनका पेपर चौदह मार्च को है बट आई एम गेसिंग कि बहुत कम बच्चों का होगा बट कोई बात नहीं उनके लिए ये स्ट्रैटेजीज़ है आपको ये स्ट्रैटेजी ही फॉलो करनी है आपके एग्जामिनेशनस को लेकर के यूनिट टू और थ्री आपको कवर करना है फिफ्टीथ मार्च को यूनिट फुल सिलेबस का जो वन शॉर्ट रिविजन होगा वो आपको करना है सिक्सटीन मार्च को एंड उसी के साथ साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स फिर आते हैं सेवनटीन मार्च के ऊपर उसी दिन अगर आप प्रॉपर अपना वन मार्क के क्वेश्चंस टू मार्क्स के क्वेश्चंस और सिक्स मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर कर लोगे एंड दैट इज मोर देन इनफ फिर आते हैं रिवाइजिंग के ऊपर बिकॉज रिवाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड उसके बाद आपका एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ओके फाइनल आते हैं हम लोग सिक्सटीन मार्च के ऊपर जिसके लाभ के खाली दो दिन बचे हुए हैं बिकॉज होगा आपके पास कि हाँ भाई दो ही दिन बचे हैं कैसे फटाफट अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है अब क्योंकि अब क्या पता हमने दिन भी वेस्ट कर दिए हो ठीक है चलो कोई बात नहीं है हमने कैसे भी करके रगड़ के अपने आपको हमें करना ही पड़ेगा कम्पलीट तो सिक्सटीन मार्च को यूनिट नंबर वन यूनिट नंबर टू और यूनिट नंबर थ्री इन तीनों को कवर करना है एंड यूनिट थ्री के पार्ट ए और पार्ट बी पे बहुत ज्यादा फोकस करना फिर इसी दिन आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करने होंगे क्यों क्योंकि आपके अंदर बहुत उस टाइम बिल्कुल ऐसे आप हाई उस पर होगा कि हाँ आपके पास तीन चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आपको खाली सुनना होगा हियर करना होगा दैट्स इट फिर आते हैं फुल सिलेबस के वन शॉर्ट रिविजन पे अब ये वीडियो देख रहे हो प्लीज इसको नोट डाउन करते हैं ना ताकि आपको जो भी चीज है आपके दिमाग में फटाफट बैठ जाए फिर आते हैं इसी दिन आपको वन मार्क्स के टू मार्क्स के और सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन पर भी फोकस करना है फिर इसी के साथ साथ अगर आपने फुल सिलेबस का वन शॉट देख लिया तो वो आपका दी बेस्ट रिविजन है लाइक इसके अंदर आपकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी थी ठीक है फिर तो हम लोग आते हैं एग्जाम के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक like, मेरे को भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट डे वाला टॉपिक लगा कि भाई जिन बच्चों का पेपर सत्रह मार्च को है वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे तो अगर आपने इस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आपको बांध लिया और इसके अकॉर्डिंग अगर आपने अपना पेपर प्रिपरेशन कर लिया तो भाई आपके बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल बल्ले बल्ले है एक्चुअली में ताकि आपका जो एग्ज़ाम है ना वो तो बिल्कुल टाइम टू टाइम बिल्कुल आपको प्रॉपर स्लीप भी मिल जाएगी एंड इसी के साथ साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कम्प्लीट हो जाएगा ईच एंड एवरी मार्क्स के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देते हुए ठीक है अब करना कैसे है आपका पेपर ख़त्म होता है डेढ़ बजे ठीक है वन थर्टी आपका पेपर होता है ख़त्म इकोनॉमिक्स का फिर आप घर आए आके आपने रेस्ट वेस्ट किया खाना पीना खाया आपने पावर नैप ले लिया आपने फिर थ्री थर्टी पर आप उठे आपने सबसे पहले शुरू किया यूनिट वन से यूनिट वन से, से शुरू किया जिसमें आपने राजस्थान एन पहाड़ी स्कूल कवर कर लिया फिर आपने फिर पंद्रह मिनट का आपको गैप दिया फिर भाई फोर्टी फाइव से फाइव फोर्टी फाइव तक आपने यूनिट टू भी कंप्लीट कर लिया फिर भाई थोड़ा जाओ जाके बाहर टहल वहल के आओ थोड़ा घूम के आओ आधे घंटे का आपको ब्रेक मिला है यूनिट थ्री के पार्ट ए और पार्ट बी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना प्लीज़ याद से ठीक है फिर आते हैं फिर आप थोड़ा बाहर बार घूम के आए अपने जगह के तारक मेहता देख लिया पुराना वाला ठीक है तो भाई आपको सब कुछ मिल गया आपने आराम से खाना पीना भी खा लिया खाना पीना खा लेना ठीक है एट थर्टी तक बैठे करने के लिए अपना फुल सिलेबस का वन शॉट फुल सिलेबस का आपको वन शॉट रिवीजन करना है यहाँ पे जिससे कि आपका जो आपने इतना सब कुछ पूरा ऊपर पढ़ा है ना ये आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए इसको अगर आपने देख लिया तो ठीक है फिर आते हैं हम लोग कि भाई 11 से एक बजे तक के बीच में आपको वन मार्क्स के क्वेश्चन टू मार्क्स के क्वेश्चन एंड सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन पर फोकस करना है इसके बाद प्लीज़ याद से सो जाना सोते नहीं हो तो फिर आपका जो माइंड है वो रिफ़्रेश नहीं होगा रिफ़्रेश नहीं होगा तो आप कल के एग्ज़ाम के लिए फिर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर कोई बात नहीं सो जाना सो के उठ जाना सात घंटे की स्लीप ले करके एंड आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल दीप बेस्ट तरीके से हो जाएगा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है सो विद दिस मैंने आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है जो आपको फॉलो करनी है आपके सात दिन से लेकर के एक दिन तक के एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से सो आई एम होपिंग कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी को, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, भी पेंटिंग का एग्जाम है यार टेक अ छिल पिल एंड इसी के साथ साथ यू कैन डू दिस ठीक है बिलीव इन योर सेल्फ ओके सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन गाइड्स टू मार्क्स के क्वेश्चन और सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन की वीडियो जल्दी ही आ जाएगी सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय